बहुत से पार्टी के लोग हैं, झाड़ू वाले भी हैं,
कीचड़ में खिलने वाला फूल उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता। उस कीचड़ के फूल वाले भी हैं और जो बेलगाम का जानवर होता है वो भी है। एक टिमटिमाती भी जानती है जिसमें तेल नहीं है, जल से जल नहीं सकती। जिसकी लालटेन बिहार में बुझा दी गई वो सहजपुर में जलाने आया है। ये मजे की बात है। इन लोगों के मुंह पर अगर आप लोगों ने अपने वोट से तमाचा नहीं मारा तो मेरे दोस्तों मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि सहजपुर को, सहजपुर के मुस्तकबिल को आप सवार नहीं पाएंगे। मैं अभी आ रहा था यहाँ पर, रस्ते में देखा लाइट नहीं थी, लाइट नहीं आती ना आए। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त तो नगर पालिका कर सकती है। जनरेटर खड़ा हुआ है, तेल का पैसा आता है, मगर तेल का पैसा कहाँ जाता है हमारा राज तो सबको मालूम है। आपकी सड़कों पर उजाला नहीं, आपकी सड़कों में गड्ढे, आपकी गाड़ियों में गंदगी, आपके मोहल्ले के अंदर मच्छर और बीमारियां फैलती है। ऐसे लोगों को अगर आपने फिर से जिता दिया तो दोस्तों वो लोग सबक हासिल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं कि मेरा जो भाई है जिसका नाम मंजर हुसैन है, हमने और मंजर हुसैन ने लखनऊ की बहुत खास छानी है। हम लोगों ने पिछली सरकार ने जनता का जो काम अखिलेश यादव ने कहा वो काम हुआ। उसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि मुरादाबाद में जब अखिलेश यादव जी आए, एक सड़क एक गांव की बननी थी, मैं वहां मौजूद था, मैंने एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके वो अखिलेश यादव को दिया। उनके लोगों ने जो लोग नहीं चाहते थे मंजर और हम जैसी नौजवान लोग सियासत में आए, उन लोगों ने रोकने की कोशिश करी, मगर हमारा नेता ऐसा नेता जो आपकी और हमारी बात सुनता है, जो आप लोगों से और हमसे बात करने की जरूरत रखता है, वो बस में चल चुका था। बस का दरवाजा खुलवाया, नीचे उतरे, मेरे हाथ से लेटर लिया और अगले हफ्ते पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का फोन मेरे पास आता है कि बताइए सड़क कहां से कहां तक बननी है। वो हमारा नेता है। जो एक काले अपना से कार्यकर्ता के लेकर के ऊपर 12 करोड़ रुपए की सड़क बनवा सकता है तो क्या इस पत्नी को 12 घर की जगह 120 करोड़ रुपए नहीं दे सकता। हमारी तकदीर पर, हमारे मुकद्दर पर झाड़ू फेरने आए हैं। दिल्ली के अंदर तो सरकार है, दिल्ली की सरकार से जाकर के पूछिए, ओखला में रहने वाले मुसलमानों से जाकर के पूछिए कि जब ओखला के मुसलमानों ने दिल्ली की झाड़ू की सरकार से ये कहा कि हमारा कब्रिस्तान छोटा पड़ता है, हमारे और मुर्दे वहां दफन नहीं किए जा सकते, हमें थोड़ी सी दिल्ली सरकार की जगह दे दो, तो झाड़ू वालों ने 2 गज जमीन देने को मना कर दिया। उन्होंने आप लोगों के मुर्दे भी दफन होने नहीं दिए जो आज आपसे वोट मांगने आए हैं। मगर लखनऊ में एक शख्स बैठा था जो सबकी बात सोचता है, कि जिसने कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां करवाई तो शमशानों से भी हिफाजत करी, जिसने मस्जिदों की हिफाजत करी तो मंदिरों की भी हिफाजत करी, जिनका घरों की भी हिफाजत करी, गुरुद्वारों की भी हिफाजत करी। अखिलेश यादव जी से जब ओखला के मुसलमानों ने जाकर कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की कुछ जमीन है जो सिंचाई विभाग के अंदर में आती है,
हमारा रुख्तान छोटा पड़ता है, वो जमीन हमें रुख्तान के लिए दे दी थी। तो उस शख्स ने एक सेकंड नहीं लगाया और 300 करोड़ रुपए की 18 बीघे जमीन दिल्ली के अंदर मुसलमानों के कब्रिस्तान के नाम कर दी। आज हम वाले अगर हम लोग मांगने आए हैं तो किस मुंह से मांगने आए हैं, हमें इसका जवाब दे। जो हमें दो जमीन नहीं दे सकते दिल्ली में, वो इस पत्नी को क्या देंगे? जिन लोगों ने विकास के नाम पर हम लोगों को ठगा है वो इस पत्नी को क्या देंगे? दोस्तों, जो कीकर का फूल है उसकी पार्टी है, वो फेकू इंसान है, बड़ी लंबी लंबी फेंकता है। 2014 में इतनी लंबी फेंकी 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में करवा दिए, 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में आएंगे। उस शख्स ने गुजरात से आकर के पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया और हिंदुस्तान की भोली भाली आवाम उसके झांसे में आ गई और उसको प्रधानमंत्री बना बैठी। उसके बाद पिछले साल यही वो वक्त था जब हम गेहूं की बुआई कर रहे थे, हमें खाद चाहिए था, हमें बीज चाहिए था, हमें सिंचाई के लिए तेल चाहिए था, मगर उसने नोटों में आग लगा दी। उसने नोटों को बंद कर दिया, किसानों को बीज नहीं मिला, गन्ने की पैराई नहीं हो पाई और तो और घरों के अंदर मैयतें हो गई। 125 लोग उस नोटबंदी की वजह से मारे गए, कोई जवाब नहीं दे सकता। मुसलमानों को हिंदुओं को लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। वो ये कहता है जो आज की तारीख में लखनऊ में बैठा हुआ है, सिर मुंडा रखा है, बाप को मरे तो जमाने हो गए मगर अभी तक गंजा है। वो ये कहता है कि मुसलमान तो आक्रमणकारी है, मुसलमान तो आक्रांता है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, योगी जी, तुम भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे बाप दादा भी मध्य एशिया से आए थे, तुम भी आर्यन कहलाते हो, तुम हिंदुस्तान के पैदा हुई भी कौम नहीं हो। तुम लोगों ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो यहाँ के रहने वाले दलित भाइयों को, यहाँ के रहने वाले हरिजन भाइयों को तुम लोगों ने अपना गुलाम बना लिया। तुम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि जिसके अंदर हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को तुम लोगों ने शूद्र करार दे दिया। तुम लोगों ने उन लोगों को समाज से निकाल के बाहर कर दिया। मैं आपको हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी का एक किस्सा सुनाता हूँ। मौलाना हजरत मोहानी ने दिल्ली में अपने घर पर एक इफ्तार रखा, उसमें बड़े बड़े लीडरान आए, जवाहरलाल नेहरू भी थे और बहुत सारे लोग थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, बहुत सारे इफ्तार में लोग आए, भीमराव अम्बेडकर जी भी आए। तो वे लोग थे जो अपने आप को मेरे हिंदू भाइयों का मसीहा कहते हैं। उन लोगों ने भीमराव अम्बेडकर के साथ बैठना गवारा नहीं किया था। उस भीमराव अम्बेडकर के साथ बैठने वाला अगर कोई था तो उसका नाम हजरत मोहानी था। और आज इस बस्ती सैदपुर के अंदर अगर मेरे हरिजन भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ बैठने वाला कोई है तो उसका नाम अंदर चौधरी है। इसके जवाब मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस बार भी गलती कर दी तो सैदपुर के मुस्तकबिल को संवारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव सैदपुर की बस्ती के लिए एक इम्तहान है। ये इम्तहान है मंजर हुसैन का, ये इम्तहान है आप लोगों का, ये इम्तहान है जब मंजर हुसैन को अच्छे नंबर पास करके अपने पास भेजने का। ये इम्तिहान है अगली बार जब मंजर हुसैन को टिकट ला
विधेयक को आपने पास कर दिया, तो मैं आज आपसे यह वादा करने जा रहा हूं कि 2022 के अंदर मंजर को विधायक नूरपुर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज वो मां जो तुम्हारे सामने अपने बेटे को भेज रही है, वो पता नहीं औरत जो हमारे और आपके बीच तो नहीं आ सकती, मगर अपने सबूतों को उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर रखा है, इस बस्ती की विकास के लिए कुर्बान कर रखा है। आज अगर उस माँ का दामन को रुसवा किया तो हमसे हमारे ऊपर अल्लाह भी अपनी रहमतें नहीं नाजिल करेगा। दोस्तों, माँ का दर्जा तो हमारे मोहल्ले माँ का दर्जा तो हमारे मजहब ने इतना आला रखा गया है कि उसके पैरों के नीचे लाकर के जन्नत को डाल दिया। अगर उस माँ को रुसवा करोगे तो क्या जन्नत हमें और आपको मिलेगी, यह आज सोचने का मकाम है। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत, अपने धर्म धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दृष्टिताम् धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब जब धर्म का नाश इस धरती पर होगा, पाखंड आदम पर झूठ की फरावानी होगी, तो धर्म को अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं जन्म लूंगा, सच्चाई को दोबारा स्थापित करने के लिए मैं आऊंगा। ये श्लोक की बात कहता है। और कृष्ण जी तो यदुवंशी थे, हमारे अखिलेश यादव भी यदुवंशी है। अखिलेश यादव जी इस कीचड़ से फूल के अधर्म को उखाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में जन्म ले चुके हैं। 2019 के अंदर, उसके बाद 2022 के अंदर हम इस कीचड़ के फूल को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। मेरे दोस्तों, अगर हम पुरस्कार ना हुए, हम एक ना हुए, तो आने वाली नस्लें हमें और आपको कोसेगी। किसी शायर ने बखूबी कहा है कि वो काल भी देखा है तारीख की नजरों से, वो काल भी देखा है तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सदा पाई। तो मेरे दोस्तों, 22 तारीख को आने वाला वो वक्त एक लम्हे की बराबर है। वो एक लम्हा अगर हमारे सामने से गुजर गया और हमारा देश बिरादरी वाद के नाम पर, फिरके वारियत के नाम पर, मस्तकों के नाम पर, या किसी भी और वजह से कहीं साइकिल के अलावा किसी और को पड़ गया, तो ये वो एक लम्हा आने वाली नस्लों की सदियों सदियों हमें सोचा करेगी और कहा करेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। ऐसे लोगों को अपनी कयामत दे दी, अपनी रहमती दे दी, कि जिन्होंने हमें ही लूटा, हमें ही खोटा, हमारे ही पैसे को अपने घरों में लगा लिया। न सौके बनी, न खड़े लगे, न लाइटें लगी, न नाली साफ हुई, कोई काम नहीं किया, कोई ठेकेदारी और दलाली के अलावा उनका दूसरा कोई काम नहीं। तो हम दलालों को यह पता हो कि अब हम मुरतब हो चुके, हम मुतहिद हो चुके, हमारे अंदर एकता आ चुकी, हम अब तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और ये बताएंगे कि सैदपुर की बस्ती के अंदर एक बेटा पैदा हो चुका, एक अंडा मंदिर का। और आप लोगों से शेर आपसे अर्ज करके आपसे ज्यादा चाहूंगा, इस शेर को आज समझने की जरूरत है, इस मुट्ठी की तरह एक होने की जरूरत है। ये साजिशें ये अदालत, ये एजेंसी कब तक, ये साजिशें ये अदालत, ये एजेंसी कब तक लूटेगी मेरी हयात को, वो रहबरी कब तक, मैं वो रहबरी
जिसे ड्राइवरी ने घाट घाट का पानी किया, जिसे ड्राइवरी ने कुत्ते की तरह हंसा हंस को जाना, मैं उस ड्राइवरी की बात कर रहा हूँ। ये समझे ये ड्राइवरी कब तक लूटेगी मेरी हयात को, वो ड्राइवरी कब तक सवाल